फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं कि बनाने की खीर। आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं और घर पर जब मेहमान आए जब तब भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पर शेयर करें और मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर हमने केले लिए हैं, इनको छील लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केले को छील लेते हैं, पके हुए केले लिए हैं हमारे। यहाँ पे मैंने ले लिया 4 केले, इनको मैंने छील लिया। अब हम इनको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केलों को छील कर कट कर लिया है, इस तरह से भी टुकड़ों में 4 केले लिए हैं। तो अब हम इनकी खीर बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए है 1 कप चीनी और ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वह ले सकते हैं, और कंडेंस मिल्क। तो चलिए सबसे पहले बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लिया है, उसको हम गर्म होने देंगे यहाँ पर। और इसमें दूध डाल देंगे, मिल्क भैंस का। यहाँ पर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हमने यहाँ पे एक फुल क्रीम दूध लिया है भैंस का, और हम इसको डाल देंगे इसमें। एक उबाल आने तक अच्छे से चला लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पर एक उबाल आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से दूध खोल रहा है, ये देखिए अब उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे चीनी। ये हमने लिया चीनी यहाँ पे 1 कप, और यहाँ पे चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे हम, इस तरह से चलाते हुए अच्छे से 1 से 2 मिनट चला लेंगे इसको लो फ्लेम पर। तो हमें इसको यहाँ पे चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, उबाल आ गया। हम इसमें पके हुए केले डाल देंगे, सभी को हमने यहाँ पे पके हुए केले डाल दिए हैं। और इसको हम यहाँ पे चला लेंगे 1 मिनट के लिए, पके हुए केलों को आलू में डाल इनमें दूध में डालकर इनको 1 मिनट के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे। और इसमें डाल देंगे फिर से हम कंडेंस मिल्क 2 से 3 मिनट तक। पहले हम इनको यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे, बना लेंगे इनको। और ये लीजिए, इसको हमें यहाँ पे लगातार इस तरह से चलाते चलाते 1 से 2 मिनट तक हो चुके हैं, और ये हमारा गाढ़ा हो चुका है खीर। इसमें आप चाहो तो दूध और ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ी खीर बनानी है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं, काजू बादाम, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। और अब हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क जो हमने घर पर बनाया है। और आप चाहे तो कंडेंस मिल्क बनाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और घर पर कंडेंस मिल्क बनाए। तो मैंने कंडेंस मिल्क घर पर बनाया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच कंडेंस मिल्क ये वाला। तो ये हमारा कंडेंस मिल्क बनकर मैंने बना कर रख लिया था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें हर चीज़ में चाहता है। और इससे मिक्स कर देंगे, हमने 2 बड़ी चम्मच डाल दिया। इससे जो खीर एकदम अच्छी लगती है खाने में, स्वादिष्ट और बहुत ही शानदार बनती है। तो इससे हमारी खीर का टेस्ट जो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर दिया है हमने इसको इसमें, और 1 मिनट तक इसको इस तरह से ही गैस पर अच्छे से मिक्स होने के लिए कंडेंस मिल्क के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि हमारे केले, हमने 1 कप चीनी इसलिए डाली क्योंकि हमारे केले मीठे होते हैं, और हमारे कंडेंस मिल्क जो बनाया है वो भी चीनी से बनाया, चीनी दूध और सोडा से, 3 चीज़ से बनाया है। तो इसलिए हमने कम डाला है चीनी। तो ये हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है 1 मिनट के लिए। अब हम इसको इस तरह से चला लेंगे, और जो हमारी एकदम फेवरेट केले खीर बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगी। इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से पेट लेंगे 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर। देखिए किस तरह से मैं इसको यहाँ पर लगातार इस तरह से पेट रही हूँ चलाते हुए। तो हमारे यहाँ पर केले की खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो 1 मिनट हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर केले की खीर बनकर तैयार है, स्वादिष्ट शानदार। वीडियो अच्छी तो लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पर शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए बनाने के लिए फिर हम ऐसी नई ढेर सारी वीडियो लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हिंडवा रसोई से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।